छोटा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बेटा। ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे है ये, न्यूमेरिकल का नंबर आप खुद डाल लेना जो भी है बेटा। टू फोर्सेस लिख लीजिए बेटे, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो, हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो, मैग्नीट्यूड्स की बेटे रेशो आपको दे रखी है, हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5, हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5, give a resultant of 28 न्यूटन बेटा। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन बेटा। आपको करना क्या है, इफ दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच बेटा। दो जो आपको दिए गए हैं उनका आपको मैग्नीट्यूड जो है दैट इज नीडेड टू बी वर्कड आउट बेटे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको दो फोर्सेस दिए गए हैं, दोनों का रेशो 3:5 है। अगर दोनों 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट करें तो 28 न्यूटन का रिजल्टेंट देते हैं। आपको इंडिविजुअल फोर्सेस जो है वो वर्कआउट करनी है। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम सपोजिंग दैट फोर्स F1, इमेजिन कर लीजिए ये 3x है, और सेकंड वन जो है F2 जो है दैट इज डियर चिल्ड्रन 5x, एंड इनका उत्तर जो रिजल्टेंट है दैट इज 28 न्यूटन। दिस इज वेल गिवन टू यू, एंड एंगल थीटा इट इज आल्सो गिवन टू यू 60 डिग्री बेटे। वैभव आपका नाम है, बोलिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएं रिजल्टेंट के लिए बेटा। अभी कल किया था हमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा ऑल अंडर द रूट। बहुत नाइस बेटे वैभव, थम्स अप फॉर यू। ओके, दोनों के लिए ठीक है जी। अब रिजल्टेंट आपके पास है, इंडिविजुअल फोर्सेस आपके पास है, सारा आपको बेटे उन्होंने डेटा प्रोवाइड कर रखा है। लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस ऑल। रिजल्टेंट आपका 28, दिस इज गिवन टू यू, ये 3x का स्क्वायर, देन 5x का स्क्वायर, देन प्लस 2 3x 5x नमन कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2। वेरी नाइस। सो ये आपने सारे का सारा एस एच सब्स्टिट्यूट किया। अब आइए इसको बेटे सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास जो ये 28 है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर। ये बेटे देखो 2 कट गया आपका, ये वाले दोनों 3 5s are 15 एक्स का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट, राइट बेटे। और ये आपका 40 and 49 एक्स का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट हो गया जी। 49 का रूट बेटे कितना होगा, इट इज 7। सो आपके पास आ गया 7x बेटा। सो डियर चिल्ड्रन एक्स आपके पास आ गया 28/7, एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स आपने अगर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट मी एडजस्ट दिस बेटा, यस। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एक्स को, F1 आपके पास आ जाएगा 4 5s are 20 न्यूटन, एक्स सॉरी F2 था ये आपका, F1 आ जाएगा 4 3s are 12 न्यूटन बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सारे बच्चों को पता चल गया तो एक बार मुझे बता दीजिए, फिर आगे चले, राइट। वैभव और आपका नाम वंश, वैभव वंश नमन,
they are physically present in the classroom and they are waiting for their friends also. आइए आगे चलें with the next point, next problem. Diya, is it clear? Diya can be seen on the screen. बेटा दिया दृष्टि अंजलि हरनूर मनजोत रमन सहज yes sir okay very yes, sir. nice good 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 very good एक छोटा सा और प्रॉब्लम करेंगे then we will be proceeding ahead with the parallelogram law of forces and its applications बेटा आइए देखें हाँ जी I could not hear बेटे क्या बोला आपने कोई पॉइंट है तो बताइए बेटे चलिए मे बी हाँ जी टू ए बी साइन थीटा वाला नहीं हमने कोई भी किया बेटा वो मे बी आगे जाके आएगा कहीं पे और सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्दर डिस्कशन हमारे पास बेटे छोटा सा प्रॉब्लम एक और करेंगे देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड यू आर गिवन दैट बेटे टू इक्वल फोर्सेस नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा टू इक्वल फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट रादर Two equal forces have their resultant equal to either at what angle are they inclined bete? At what angle are they इनक्लाइंड देखिए बेटे आपको बड़ा उन्होंने सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन पूछा है कि दो इक्वल फोर्सेस हैं अगर एक फोर्स इसका मतलब एफ है मान लीजिए एफ वन मैं बोल देता हूं एफ वन को एफ कह देते हैं राइट बेटा और दो हैं सेकंड वन फोर्स भी फिर हमें एफ ही कहना पड़ेगा यही कहा है ना उन्होंने टू इक्वल फोर्सेस अगर एक फोर्स को आप एफ वन कह रहे हो जितनी ये है F2 फोर्स भी तो उतनी ही होगी दिस इज व्हाट दे हैव सेड बेटा एंड दे हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर इसका मतलब ये हुआ कि उनका रिजल्टेंट दोनों का जो है वो किसी एक के बराबर का ही है वैसे तो दोनों ही बराबर हैं इट विल मीन दैट कि रिजल्टेंट भी F के बराबर हो गया राइट बेटा अब आपको बताना है कि इन फोर्सेस के बीच में कितना एंगल जो है ये होगा दिस इज अवर पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बेटी डेफिनेटली आप सिंपली ये कर लीजिए ना यूज कर लीजिए आपका रिजल्टेंट जो है दिस इज एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ एंगल थीटा ऑल अंडर द रूट बेटा है ना बेटे आप आर की जगह भी एफ यूज कर लीजिए This is also F beta. This is also F, and here also F, and cos of angle theta all under the root. And इसको आप solve करना तो आपका बनता है आपको. Good. करिए देखिए. F is equal to F square, two F square. F square और F square two F square हो गया. This is two F square cos of angle theta all under the root. राइट बेटा तो फिर आप एफ इज इक्वल टू रूट टू एफ ठीक है जी वन प्लस कॉस थीटा पावर वन बाई टू चेक करिएगा यही बनता है सारे स्टूडेंट्स जरा चेक करना बेटा यही बनता है आपका दिया सारे बच्चे आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए बेटा ख्याति प्रभदीप मिताली इश्नूर हरमन
गुड सिमरन, दृष्टि, दिया, देवनूर एंड सहज, रमन, मनजोत एंड जैकलिन, हरनूर, अंजलि। आप बेटे अपने हिसाब से सॉल्व करिए। वर्कआउट थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, और कुछ भी नहीं। नमन, हाउ मच? निकालिए निकालिए करिए। लेट मी गो फॉर विद द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन अहेड। लेट मी रब दिस पार्ट रादर। एफ इज इक्वल टू बेटा 2f² आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा ऑल अंडर द रूट, राइट बेटे? और पुत्र आप इसको बाहर ले लो, रूट के स्केयर रूट के बाहर निकाल लोगे ना जब आप, तो f will be equal to root 2f आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा पावर 1/2, f से f आपका कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये चीज बन गई। इसका रादर स्केयर है ये, सॉरी 1/2 है पावर, ठीक। इसका स्केयर कर दें दोनों तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, रूट है इसका, ये देखो हम दोनों तरफ स्केयर कर दें तो कैसा रहेगा बेटा? ठीक रहेगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स। आपके पास डियर चिल्ड्रन 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा आ गया जी, एंड प्यारे बच्चों कॉस थीटा माइनस 1/2 आ गया। थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? कॉस थीटा थर्ड में नहीं, सेकंड में। तो 120 बन जाएगा फिर आपका, ये है ना बेटा? सो थीटा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री कॉस 60, अदरवाइज आपका हाफ होता है, तो क्योंकि साइन बदल गया है तो हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, राइट बेटा? क्लियर हो गया पुत्र? अंजलि, हरनूर, सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? रमन, सहज, दिलजीत, देवनूर, दिया, दिव्या, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन, ओके बेटे, ओके, वेल वेल वेल। तो बेटे चलिए अब आगे, मैं पहले आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में थोड़ा गाइड कर दूं, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड। रब कर दूं ये बेटा, हो गया ना? चलिए देन बेटे मेरे पास आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये क्या है, कैसे हम बेटे इसको अप्लाई कर पाएंगे, आइए देखें। आई थिंक कल हमने थोड़ा बहुत स्टेटमेंट पार्ट लिखा भी था इसका। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बेटे। सो आइए बेटे डियर ऑल इसके बारे में डिस्कशन करें। कल हमने बेटे स्टेटमेंट पार्ट में लिखा था, इफ द टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। शुड आई नीड टू रीराइट इट बेटा? लिख दूं दोबारा कि चलें आगे? बता दो आप बेटे, लिख दें, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है, इट स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाई द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, को कई बार हम ऐसे भी लिख दिया करते हैं मैथ में, आप ऐसे लिखते होंगे पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाई द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप दोनों साइड ड्रॉ कर रहे हो ना, वहां से ही डायगोनल लेना, दूसरे वाला डायगोनल नहीं लेना, दो डायगोनल पॉसिबल होंगे ना अदरवाइज। तो आइए बच्चों देखें,
कल हमने बात की भी थी थोड़ी इनके बारे में. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज योर बेटे ए वेक्टर एंड हेयर गोज योर बी वेक्टर. और आपने कल इस तरीके से पैरेललोग्राम उत्तर कंप्लीट किया था, ये वाला समथिंग लाइक दिस. और अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर के बराबर ही होगा, इक्वल एंड पैरेलल है. ऐसे ही अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, इक्वल एंड पैरेलल है. और इनके बीच में बेटा एंगल आपको थीटा दे रखा है, उन्होंने थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं दोनों. मैं इस बेटे डायगनल की बात कर रहा था जो इन दो साइड्स को आप जिस पॉइंट से ले रहे हो, ये वाला पॉइंट कह रहा था. आप इसका कोई नाम रख लीजिए, एल एम एन ओ, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, लेट इट बी पी. अगर ये एंगल थीटा है ये दो लाइंस के बीच में तो ये भी थीटा ही होगा, इट विल आल्सो भी बेटा थीटा. आपको याद होगा कल हमने ये छोटी वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड को क्या निकाला था, बी कॉस के साइन, साइन थीटा, बी साइन थीटा. कैसे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा. तो आपका बी लिख ही देता हूं बेटे मैं. ट्रायंगल छोटी सी हमने एम एल एम एन पी, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर आपका बन गया बेटे एन पी और ये बन गया एम एन. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा बेटा. और पुत्र एन पी आपका बन गया एम एन साइन थीटा. एम एन इज नथिंग बट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. ये देखिए, सो एन पी दिस इज बी साइन थीटा. और इसी ट्रेंगल में एम पी बेस है ये आपके ट्रेंगल का, एम पी अपॉन एम एन दिस इज इक्वल टू बेटा कॉस ऑफ एंगल थीटा. एम पी इट इज एम एन कॉस थीटा. एम एन इज नथिंग बट बी, अभी अभी किया है हमने, इट इज बी कॉस थीटा. तो डियर चिल्ड्रन ये साइड आपका बेटा बी कॉस थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया. आपका 90% काम कंप्लीट. अब आइए रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, आप अपना जो ये वाला ट्रायंगल है एल एन पी, बड़े वाला ट्रायंगल जो मिडल में बन रहा है, इस पे फोकस करिए. ट्रायंगल एल एन पी, इस ट्रायंगल में एल एन पी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एल एन इसका स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एल पी इसका स्क्वायर प्लस पी एन इसका स्क्वायर. बेटे एल पी किसके बराबर लिख सकते हैं, एल एम प्लस ये है ना. सो एल एन को बेटे आप देखो रिजल्टेंट बोलोगे, ये तो आपका रिजल्टेंट हुआ राइट. आपके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर राइट बेटे. एल पी को आपने लिखा एल एम प्लस एम पी इसका स्क्वायर एंड पी एन का स्क्वायर राइट. इसको हटा दें स्क्वायर को, उधर स्क्वायर रूट कर दें, वी विल हैव आर का स्क्वायर नहीं लगाएंगे आप, रूट आ गया एल एम को. देखिए एल एम आपका ए के बराबर है ना बेटा, तो इट विल बी ए का प्लस एम पी किसके बराबर था, बी कॉस थीटा. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बी कॉस थीटा का स्क्वायर. पी एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर. तो अब बेटे हम स्क्वायर को कंप्लीट कर देते हैं. बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑल अंडर दी रूट वन सेवन. तो ए का स्क्वायर एस एच रह गया, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लो पुत्र, इट विल बी बी स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गई टर्म टू ए बी कॉस थीटा ऑल अंडर द रूट एंड दिस इज इक्वल टू वन. पुट कर दीजिए
इट विल बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos of angle theta. बच्चों ये सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड बना, अभी आपने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है. जब तक आप डायरेक्शन रिजल्टेंट की नहीं बताते, आपका रिजल्टेंट इनकम्प्लीट समझा जाएगा बेटा. आइए डायरेक्शन के लिए वर्कआउट करके देखें बेटा कैसे डायरेक्शन निकाली जा सकती है. ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर के साथ बी का एंगल बनाता है, जैसे लास्ट टाइम किया था. ठीक, आप टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा निकाल लो, इट विल बी एन पी अपॉन एल पी. बेटा एन पी अपॉन एल पी नमन लिखवाएगा, ये क्या है, एन पी क्या है और एल पी क्या है. एन पी इज बी साइन थीटा, ठीक है. बी कॉस थीटा, वेरी राइट वेरी राइट. एन पी आपका बी साइन थीटा हमारे सामने है ही है. एल पी को आपने लिखा ए प्लस बी कॉस थीटा. सो बेटे बीटा आप लिख सकते हो, इट इज टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. बेटा कुछ इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते हो. यहाँ पे स्पेशल केसेस अराइज कर जाया करते हैं कि अगर आपका एंगल थीटा जीरो है, 90 है, 180 है, देन व्हाट विल हैपन, और आपका रिजल्टेंट कैसे बदल जाएगा या कैसे होगा. आइए एक बार बेटे इस चीज पे भी कंसंट्रेट करके देखें और देखें हमारा रिजल्ट जो है ये क्या बन जाता है. लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस. बिल्कुल बिल्कुल ट्रायंगल लॉ वाला ही फॉर्मूला है, नॉट एट ऑल डिफरेंट बेटा. रिजल्ट वही है, बस इसमें थोड़ा आपके जो एडिशनल आपके कुछ स्पेशल केसेस हैं उनकी बात हम साथ कर लेंगे बेटा. आइए कंसंट्रेट करें इस पे. पहला केस है बेटा, इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. एंगल थीटा आपने जीरो इमेजिन कर लिया, व्हाट विल बी द सिचुएशन. पहली बात तो रिजल्टेंट के बारे में करेंगे. रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, ये कॉस जीरो आपका वन के बराबर होता है पुत्र, है ना बेटे. तो ये कितना हो जाएगा, नहीं वन, कॉस जीरो वन हो गया ना बेटा. सो आर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस जीरो इज वन, उसको मैं लिखता ही नहीं बेटा. दिस इज ऑल अंडर द रूट, इट विल बी ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर लिख लो पुत्र, लिखा जा सकता है ना. अंजलि what it is equal to then, sir, a plus b. a plus b, very nice. तो resultant आपका a plus b आ गया. देखिए मैंने vector नहीं डाला इस पे, सिर्फ magnitude की बात कर रहा हूं. अब इधर आ जाइए, ये tan beta पे, tan beta it is beta b sin 0 upon a plus b cos 0. बेटे sin 0 कितना होता है, जीरो. अगर साइन जीरो जीरो है तो टेन बीटा आपका जीरो हो गया बच्चों. बीटा विल बी इक्वल टू जीरो. देखिए बीटा का जीरो हो जाना हमें क्या इंडिकेट करता है, ये थोड़ा सा बेटे समझिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा. पहले तो हमने ये कहा कि ए और बी में एंगल जीरो है, यही कहा ना हमने. इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर ए वेक्टर इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, आपका बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तभी दोनों के बीच में एंगल जीरो हुआ. अब हमने ये क्या इन्वेस्टिगेट किया कि बीटा भी जीरो ही है. बीटा जीरो होने का मतलब है आपका रिजल्टेंट निकालते टाइम दोनों सिद्ध ही एड हो गए हैं. दिस इज योर रिजल्टेंट, दैट्स इट. क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. ओके, देन बेटे सेकंड स्पेशल केस की बात करेंगे. सेकंड केस पे चलें पुत्र. मनजोत, रमन, सहज, दिलजीत, देवनूर, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन, अंजलि, हरनूर, वैभव, नमन, वंश. बहुत बढ़िया. थीटा 90 डिग्री जब आप कंसिडर कर लोगे, व्हाट विल बी द सिचुएशन.
लेट्स कंसंट्रेट बेटा। थीटा सेकंड केस में आपका बच्चों 90 डिग्री आपने चूज किया, मतलब क्या है 90 डिग्री का, आपने एक वेक्टर जो है ए वेक्टर ये कंसीडर कर रखा है, बी वेक्टर आपका इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये थीटा आपका 90 आ गया, राइट। पुट कर दे वैल्यूज, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 2ab cos 90 उत्तर कितना होता है, कितना जी, जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऑल अंडर द रूट, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, tan बीटा इट वाज बी साइन थीटा था अपॉन ए प्लस बी cos थीटा cos 90, खत्म हो गया, जीरो हो गया, ये टर्म आपको जीरो दे देगी, ये वन दे देगी, tan बीटा इट विल बी बी अपॉन ए, बीटा विल बी tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट है देख सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, इसका मतलब क्या है, इधर कहीं आएगा आपका रिजल्टेंट और ये आपका होगा बीटा और ये है कितना tan इनवर्स b अपॉन a, क्लियर। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत करिएगा, आप सिंपली tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, उस वैल्यू के लिए देख लो एंगल कितना है, खत्म हो गई बात, और क्यों उस cot वगैरह क्यों करना है, वो अपना झंझट ही बढ़ेगा, वैसे गलत नहीं आप कर सकते हो, राइट। तीसरा स्पेशल केस है बेटा, अगर आपका एंगल थीटा 180 हो जाए, आइए देखें क्या होगा, एंगल थीटा आपका हो गया जी, थीटा इज इक्वल टू 180। फिजिकली इसका बच्चों क्या मतलब है, आपका देखिए पुत्र ए वेक्टर इस तरफ था इनिशियली, अब आपने बी इस तरफ कंसीडर किया है और ए से लेकर बी तक एंगल आपका कितना हो गया जी 180। डायग्राम से इटसेल्फ क्लियर है ना, अब आपको रिजल्टेंट बताना है कि कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, आर विल बी इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 2ab cos 180, बच्चों कितना होता है, है यार cos 180, अंजलि सर माइनस वन, माइनस वन, r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो माइनस 2ab हो गया, ये ऑल अंडर द रूट है ना बेटा, जरा देख के मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं आप लोगों को कैसा लग रहा है, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं है ना, तो फिर तो हम ऐसे भी कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। सो आर आपका कितना बन गया फिर, ए माइनस बी, ये खाली मैग्नीट्यूड है, ए इधर को है बी इधर को है, बी छोटा लग रहा है ना देखने में, ए बड़ा लग रहा है वेक्टर, तो ए में से बी को माइनस कर दिया, आपका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, दिस इज व्हाट दिस रिजल्टेंट दिस पॉइंट इन बिटवीन, राइट। अब आ जाइए बात करें tan बीटा की, tan बीटा आपके पास था बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180, साइन 180 कितना होता है जीरो, इसका मतलब है बीटा आपका बच्चों जीरो ही रहेगा, बीटा जीरो आपको पहले इंडिकेट कर दिया था डायग्राम इटसेल्फ, राइट। कोई पॉइंट ना पता चला हो तो बेटे जरूर पूछिएगा, अदरवाइज देखो इसको एक मिनट के लिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइए। यस बेटे डियर ऑल, सारे बच्चे देखो, हाँ जी हाँ जी बेटे, सर जो पिछला केस था उसमें हमने बीटा ए वेक्टर के साथ बनाया तो बी वेक्टर, आपकी आवाज नहीं बेटे क्लियर आई, क्या कह रहे हो आप, सर पिछले केस में बीटा हमने ए वेक्टर के साथ बनाया था तो हम बी वेक्टर के साथ नहीं बना सकते, सुनाई नहीं बेटे दे रहा, आप क्या कह रहे हो पुत्र,
माइक को क्या कर लूं? अच्छा ये स्पीकर को बोलो ना, माइक को मत कहिए बेटे, एक बार रिपीट करिएगा। बेटे कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, एक बार बोल दीजिए दोबारा। हाँ जी हाँ जी बेटे, इन द प्रीवियस केस बीटा वाज अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग इसने आपका, हाँ जी बेटे सहज, इसको बी वेक्टर के अलोंग हम कब लेंगे पुत्र? जब आपका बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा होगा, उस केस में आपका बीटा 180 आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हो, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। अभी तो प्रेजेंटली ए वेक्टर बी से बड़ा था, आपका बीटा 0 आ गया। अगर बी ए से बड़ा हो जाए, मान लो ये 20 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट तो फिर इधर को ही हुआ ना बेटा। उस केस में आपका बीटा जो है दैट विल बी 180। यहाँ पे नो डाउट आप 0 ही लिख रहे हो, आप 0 बी वेक्टर के साथ बनाकर लिखोगे तब। ठीक है बेटे आपकी बात सहज, ठीक है चले आगे। छोटा सा प्रॉब्लम है आप लिखिए, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड। बेटा फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन ए प्लस बी बेटा, नंबर टू ए माइनस बी, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर दिस इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप एंड बेटे माइनस 2k कैप। एक मैं करूंगा एक आप करोगे, a प्लस बी वेक्टर एडिशन है ये, कैसे कर पाएंगे आप? आई वाले को आई वाले कंपोनेंट में, जे वाले को जे वाले में, के वाले को के वाले में ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं ऐड करोगे। तो डियर चिल्ड्रन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए आई वाले को आई वाले में ऐड किया, इट विल बी 5i कैप, जे वाला -1 और -2 -3j कैप एंड प्लस के कैप बन गया राइट। अब यूनिट वेक्टर चाहिए आपको, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम इनका कैसे? चलो अपने आप सर बताएंगे, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बेटे एक्स वाले आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर राइट। इट इज 25 प्लस 9 प्लस 1 इट इज 35। देखो बेटे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं पे भी कोई देख लो एडिशन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। 5 -3 + 1 राइट 25 9 135 ही हुआ। अब a प्लस बी तो आपके पास ही है ही है, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसका रूट है ये। सो यूनिट वेक्टर आपके पास बेटे फिर क्या बन गया जी? 5i कैप -3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई √35। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये भी कर लिया राइट बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू ऑल बेटे, वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स नेक्स्ट वीक। थैंक यू ऑल।